Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Lastly, we have discussed the art and craft of JNK. ठीक है, इसमें हमने जो है वो डिस्कस किया था हमारे पेंटिंग स्टाइल्स. ठीक है, जिसमें बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग था. देन वी हैव द मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड देन द गुलर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग. ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्राफ्ट जो है वो स्टार्ट किए थे, जैसे कि टेक्सटाइल्स के बारे में, एम्ब्रॉयडरी के बारे में. एंड देन वी हैव मूव्ड ऑन टू द कारपेट्स एंड द रग्स. आई होप आपको कारपेट और रग्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लियर होगा. ठीक है, जो कारपेट्स होते हैं वो पूरे रूम के लिए होते हैं, मतलब वो काफ़ी जो है लार्ज इन साइज होते हैं. ठीक है, और जो रग्स होते हैं वो सिर्फ डोर मैट्स होते हैं ना, जिनको बोलते हैं वो होते हैं रग्स, जो सिर्फ डोर्स के जो बाहर या अपने बेड के साथ अगर किसी ने रखा हो तो वो रग्स होते हैं. ठीक है, रग्स और उन कारपेट्स में एक ही डिफरेंस है कि रग्स जो है वो स्मॉल इन साइज होते हैं. ठीक है, देन वी हैव द पेपर माचे आर्ट. ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये काफ़ी आर्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है. द रीज़न इज़ बीइंग कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है आर्टिस्ट, जो हमारे आर्टिसंस हैं उनको वो अच्छे से जो है वो नहीं मिल पा रही है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो पेपर होता है उसको पानी में काफ़ी देर जो है वो सोक करके रखते हैं, पूरा दिन जो है आप लगा लो उसको पानी में सोक करते हैं, फिर उनको मोल्ड करते हैं अलग अलग शेप्स में, फिर उन शेप्स के ऊपर जो है बारीक बारीक जो है डिज़ाइनिंग या क्राफ्ट जो है उसको करते हैं ताकि इनको ल्यूक्रेटिव जो है बना सके. ठीक है, तो इसीलिए जो है इसमें एक तो बारीकी ज़्यादा होती है, दूसरा आर्टिशंस भी डिक्लाइन हो रहे हैं. ठीक है, आगे आगे पीढ़ी जो नई जनरेशन है वो इसमें लेस इंटरेस्टेड है. ठीक है, तो उनको ये है कि मेहनत थोड़ी कम करके तो एक जल्दी ये होता है कि हमारा होता है कि मनी माइंडेड, जैसे मतलब जितनी जल्दी हो सके पैसे कमा ले, तो ये इतना सब्र वगैरह आज की जनरेशन में थोड़ा कम है. ठीक है, इसीलिए जो है ये डिक्लाइन हो रही है. गवर्नमेंट का सपोर्ट भी जो है कुछ हद तक जो है वो इतना इस तरफ जा नहीं रहा है. ठीक है ना, हेल्थ क्राइसिस हमारे पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कह सकते हो इतना ज़्यादा हो गया है कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे जो है पीछे रह रहा है. ठीक है, इसके लिए रीज़न यही होता है कि आर्टिशंस आपके पास नहीं है, दूसरा हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो इसमें जो है इंटरेस्ट इतना जो है वो नहीं दिखा रही है. ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मेटल एंड स्टोन वर्क के बारे में. ठीक है, जिसमें हमने एक खानकारी जो है ये एक्सक्लूसिव क्राफ्ट जो है वो कॉपर वेयर में आता है. इसमें एक फेमस चीज़ थी, वो इसमें कैटल आती है. ठीक है, आई विल शो यू द पिक्चर, फिर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. वेट, जो मैं कैटल की बात कर रही थी वो कैटल इस तरीके से होती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, समोवर टी कैटल. ठीक है, ये काफ़ी जो है हमारे कश्मीर वैली से जो है वो ज़्यादा फेमस है. इसमें जो उनका जो कावा होता है उसको सर्व करते हैं. ठीक है, तो वैसे ही ये सब जो है ये हमारा जो खानकारी जो कॉपर वेयर है, ये यूनिक डिज़ाइंस जो है कश्मीर जो है वो काफ़ी इन सब चीज़ों के लिए जो है वो काफ़ी फेमस है. ठीक है, ये जो रॉयल घराने के जो लोग होते हैं वहाँ पे जो है आजकल ज़्यादा जो है ये रखे जाते हैं. ठीक है, क्योंकि पिछले टाइम की ये यूनिक एंटीक चीज़ें जो हैं या तो म्यूज़ियम्स में आपको मिलेगी या किसी ने अपनी बड़ी पुरानी जो है वो संभाल के रखी होगी अपने दादा परदादा के टाइम की, तो आजकल ये वहाँ देखने को मिलती है. ठीक है, और पिछले टाइम में ये भी होता था कि चीज़ें प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी. आजकल तो प्योरिटी तो वर्ड मतलब कोई भी चीज़ प्योर नहीं है. ठीक है, हवा की भी बात करें तो आजकल हवा भी प्योर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको पेपर माचे आर्ट के बारे में बताया था. जैसे ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये जो बाउल है ये सारा पेपर को मोल्ड किया हुआ है. पहले पानी को भिगो के रखा था, उसके बाद इस पेपर को क्या किया है, एक बाउल की शेप में जो है वो मोल्ड किया है. फिर उसके बाद यहाँ पे इसको पेंटिंग्स वगैरह करते हैं. बहुत ज़्यादा जो है इसमें बारीक जो काम रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, समोवर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो टी कैटल है ये रशियन ओरिजिन से जो है ओरिजिनेट इसका रशिया में हुआ था, तो हमारे कश्मीर वैली में भी जो काफ़ी जो है लोगों के पास होती है. ठीक है, देन द नेक्स्ट इज़ द ज्वेलरी की अगर हम बात करें, द वुमेन ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट वेयर द सिल्वर कैप और द क्राउन ऑन द हेड अंडर द वेल. मतलब ज़रूर यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि जो कश्मीर जो है वहाँ की भी जो वुमेन जो है वो काफ़ी ज्वेलरी के लिए, जो हमारी यहाँ की जो फेमस ज्वेलरी है उसमें क्या होता है, एक वेल इज़ अ काइंड ऑफ घूंघट आप उसको बोल सकते हो, तो उसके नीचे जो है वो सिल्वर कलर के क्या होते हैं, राउंड राउंड कलर के फिगर्स होते हैं. रुको मैं आपको दिखाती हूँ, दैट विल बी मच बेटर. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इन लेडीज़ ने जो है ये पहना हुआ है. ठीक है, ये वेल ऊपर जो रेड कलर का जो है वेल है. ठीक है, मतलब घूंघट टाइप आप इसको बोल सकते हो, और उसके आगे ये जो है ये ज्वेलरी जो है अटैच की है. ठीक है, यूजुअली पीपल जो है पत्नी टॉप जब जाते हैं ना तो वहाँ पे पिक्चर्स ली जाती है पूरा ऐसे गेटअप में आके. ठीक है, तो जो गया होगा तो वो वेल अवेयर इसके बारे में होंगे. ठीक है, इतने यूनिक जो है डिज़ाइन रहते हैं, ये काफ़ी जो फेमस ज्वेलरी है कश्मीर की. ठीक है, इवन जब ये जैसे 15 अगस्त या
26 जनवरी की जो परेड्स होती हैं उनमें भी जो कश्मीरी कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। मुझे याद है हमने भी एक बारी 15 अगस्त की परेड में जो है पार्ट लिया था, तो इवन आई वोर द सेम काइंड ऑफ ज्वेलरी। तो एक बहुत अच्छी ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हमने जब अपने ट्रेडिशन को, जब अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस ज्वेलरी का जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, चौंक फूल। ठीक है, CHAUNK, चौंक फूल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, देन द गोल्ड ब्राइडल ज्वेलरी ऑफ द जम्मू आर द टिक्का नोज रिंग, जिसको बालू बोलते हैं, फाइन गोल्ड फिल्जरी रिस्ट ऑर्नामेंट्स। लाइक हमें पता होगा कि जो ब्राइड्स होती हैं वो टिक्का मांग टिक्का होता है, सॉरी मांग टिक्का नहीं, वो एक टिक्का होता है सर पे लगाते हैं, और वैसे ही एक बालू भी होता है जो नोज़ में जो है उसको वेयर करते हैं। ठीक है, गर्ल्स जो होंगी दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, तो बॉयज़ जो हैं वो भी अपने घर में अपने पेरेंट्स वगैरह को, अपनी मदर वगैरह को जो है वो पूछ लेना, ठीक है, कि कैसे होते हैं ये। फिर उसके बाद आगे वुड वर्क जो है वो काफ़ी जो फेमस है हमारे JNK के लिए। ठीक है, श्रीनगर इज़ वेरी मच फेमस फॉर द वुड कार्विंग। ठीक है, विकर वर्क इट इज़ वेरी फेमस इन इंडिया एज विकर इज़ अबंडेंटली फाउंड इन द स्टेट। ठीक है, तो विकर जो है ये भी एक काइंड ऑफ जो है वुड होती है, ठीक है, जो काफ़ी जो है इंडिया में पाई जाती है। तो इसकी जो स्पेशलिटी है वो कांगड़ी होती है ना, जो सर्दियों में जो यूजुअली देखा होगा कि लोगों ने कांगड़ी रखी होती है, उसमें जो कोयला है उसको गर्म करके रखा होता है ताकि जो है कमरा जो है वो गर्म रखे। यूजुअली करना नहीं चाहिए, इससे क्या होता है ऑक्सीजन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है, तो काफ़ी जो ये हार्मफुल भी है, इसीलिए जो है इसको ज़्यादा देर तक अपने घर के अंदर जो है वो नहीं रखना चाहिए। ठीक है, देन ख़त्म बंद की अगर बात करें हम, इट इज़ एन ओल्ड क्राफ्ट विच इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द कश्मीर वुड वर्क। ठीक है, ये भी जो है एक ओल्ड क्राफ्ट है, ये भी जो है ये वुड जो लकड़ी है उस पर जो है ये क्राफ्ट जो है वो किया जाता है। और इसमें याद रखना कि जो देवदार वुड है वो इसमें ज़्यादातर जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इसका कल्चर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको ये पूछ सकते हैं कि ख़त्म बंद में जो है वो कौन सी वुड जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है, तो दैट विल बी द देवदार वुड। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जो फ्लोटिंग बोट हाउसेज होते हैं, शिकारा होते हैं, वो भी जो है इनसे बनते हैं। ठीक है, दिस क्राफ्ट कैन बी सीन इन द श्राइन ऑफ द ख्वाजा नक्शबंद नियर द जामा मस्जिद ऑफ कश्मीर। ठीक है, और यही जो ब्यूटीफुल जो क्राफ्ट जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इन द ख्वाजा नक्शबंद की जो श्राइन है नियर द जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर। जो कोई वहाँ गया होगा तो अगर उसने ऑब्जर्व किया होगा वहाँ के आर्ट को, तो दैट वॉज द वुड वर्क। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द वॉलनट वुड क्राफ्ट। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द शेख हमजा मखदूम एंड द इस्लामिक मिशनरी ड्यूरिंग द जैनुल अबद्दीन के टाइम पे। ठीक है, तो वॉलनट मतलब जैसे अखरोट की बात करते हैं, जो उसकी जो वुड होती है उस पर भी जो काफ़ी ब्यूटीफुल जो है वो आर्ट जो है हमारे यहाँ पे करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, दैट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। ठीक है, सबसे पहले ये रही हमारी जो विकर वुड है। ठीक है, ये इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें जो है इससे ज़्यादा जो इसकी फेमस होती है वो बनती है इसकी कांगड़ी। रुको, आई विल शो यू। ठीक है, आई होप जो है आप लोगों ने सबने ये कांगड़ी जो है ये देखी होगी। इसमें क्या करते हैं, जो कोयले होते हैं गर्म करके वो डाले होते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा क्योंकि कश्मीर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, इसीलिए जो वहाँ के लोग जो है वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाँ ये रहा हमारा वुड कार्विंग्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे कितने ब्यूटीफुली जो है वुड पे जो कार्विंग जो है वो की गई है, तो ये वॉलनट वुड पे की हुई है। ठीक है, जो वॉलनट की जो लकड़ी होती है उस पे ये कार्विंग जो है वो की गई है। तो आप देख लो कि हमारा JNK भी कितना कल्चरल हेरिटेज में काफ़ी ज़्यादा रिच है। ठीक है, मुझे पता है कि यूजुअली हम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस रहती नहीं है। मैंने भी जब अपने टाइम पे पढ़ा था तो मुझे पता चला था कि नहीं, वाकई में जो है कल्चरल आर्ट एंड हेरिटेज ये भी कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि आगे वाली जनरेशन है, हम उनके साथ हमें कोई एक्वेंट करवाता ही नहीं है। ठीक है, यूजुअली मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स होंगे वो प्रिपरेशन के टाइम पे ही उनको भी पता चला होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, कुछ होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, बट जो आर्ट एंड कल्चर यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट उसमें रहता है या वो इंटरेस्ट के बाहर ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, there are many important languages which are spoken by the people of Jammu and Kashmir. ठीक है, सबसे पहली जो important language है वो कौन सी language है, कश्मीरी people. ठीक है, sorry, कश्मीरी people नहीं, कश्मीरी language. ठीक है, इसको हम कोशूर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ mentioned इन द 8th शेड्यूल एंड वन ऑफ द शेड्यूल languages ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल है। ठीक है, उसमें जो है वो 22 languages जो हैं
जो शेड्यूल लैंग्वेजेस का जिनको हमने स्टेटस दिया हुआ है, तो कश्मीरी इज़ वन ऑफ देम. क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस कश्मीरी इज़ अ शेड्यूल लैंग्वेज और नॉट, और आपको ऑप्शन दे देंगे कि कश्मीरी डाल देंगे, हिंदी डाल देंगे या कोई और गोजरी लैंग्वेज डाल देंगे. तो आपको बताएंगे कि ऑड वन आउट बताओ कि इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो लिस्ट ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेजेस में जो है वो नहीं है. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना कि जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में मेंशन है. ठीक है, इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. किश्तवाड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर डायलेक्ट ऑफ इट. इट इज़ रिटन इन टू स्क्रिप्ट्स, नेमली परसो अरेबिक स्क्रिप्ट एंड द देवनागरी स्क्रिप्ट. ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना है आपको कि ये सब ग्रुप है इंडो यूरोपियन और द दार्दिक आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का. ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है. अगेन जो अभी हम जो आगे लैंग्वेजेस पढ़ेंगे वो भी काफ़ी सारी जो हैं वो इंडो यूरोपियन ग्रुप से ही जो बिलोंग करती हैं. ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस देके पूछ सकते हैं कि वेदर इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप और नॉट. ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है. नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो किश्तवाड़ी है, जो किश्तवाड़ी लैंग्वेज है, वो इसका एक मोस्ट पॉपुलर क्या है, डायलेक्ट है. ठीक है, इट इज़ रिटन इन द टू स्क्रिप्ट्स, नेमली और दो स्क्रिप्ट्स में ये लिखी जाती है, परसो अरेबिक स्क्रिप्ट एंड द देवनागरी स्क्रिप्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द डोगरी लैंग्वेज. ठीक है, जो जम्मू के जो डोगरे लोग हैं ज़्यादातर वो बोलते हैं. इट इज़ मेनली स्पोकन इन द जम्मू रीजन एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज. ठीक है, ये भी किसका पार्ट है, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज का पार्ट है. ठीक है, अर्लियर इट वॉज रिटन इन द डोगरी स्क्रिप्ट विच इज़ सिमिलर टू द टाकरी स्क्रिप्ट, बट इन द मॉडर्न टाइम्स इट इज़ रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो डोगरी स्क्रिप्ट है वो किसके सिमिलर थी, टाकरी स्क्रिप्ट. ये ज़्यादा हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट मतलब ये इसको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट इसको ध्यान में रखना कि जो मॉडर्न टाइम्स में इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है वो लिखा जाता है और ये किसके अंडर हुआ था, रणवीर सिंह जी के टाइम पे. दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द पंजाबी लैंग्वेज. ठीक है, जो पंजाबी लैंग्वेज है वो भी जो है ज़्यादातर जम्मू कठुआ या सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है, क्योंकि पठानकोट वाली साइड फिर आगे चले जाओ तो पंजाब वाली साइड है, तो यूजुअली यहाँ पे जम्मू रीजन में ज़्यादातर जो है लोग बोलते हैं. एंड इज़ रिटन इन द गुरमुखी स्क्रिप्ट एंड बिलोंग्स टू द इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप्स. अगेन इसकी स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा था. गुरमुखी जो स्क्रिप्ट है वो पंजाबी लैंग्वेज की उसमें लिखी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द पहाड़ी लैंग्वेज. It also it belongs to the Indo-Aryan group and it is spoken in the many areas of Jammu and Kashmir. ठीक है, ये ध्यान रखना है कौन कौन से ग्रुप्स से ये belong करती हैं. Then we have the Gojri language which is mainly spoken by the Muslim Gujjars of the state. ठीक है, जो Gojri language है वो ज़्यादातर किसके द्वारा बोली जाती है, Muslim Gujjars of the state. ठीक है, next it also belongs to the Indo-Aryan group. ठीक है, ये इंडो आर्यन ग्रुप जो है उसको बिलोंग करती है. एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ द JNK बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द JNK एक्ट. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो लिस्ट ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेस है उसका पार्ट है. ठीक है, लेकिन जो ये गोजरी लैंग्वेज है ये रीजनल लैंग्वेज है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की. ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा. ठीक है, और इट हैज़ बिकम वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ JNK बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK. जब हमारी JNK स्टेट थी उस टाइम पे 26th अमेंडमेंट के तहत जो है इस लैंग्वेज को रीजनल लैंग्वेज का जो है दर्जा मिला था, लेकिन अब भी ये रीजनल लैंग्वेज है, बट ये है कि अब हम UT में कन्वर्ट हो गए हैं. ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट डायलेक्ट हैं वो है अजीरी एंड द पुंछी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ द उर्दू लैंग्वेज. ठीक है, इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ JNK. प्लीज़ रिमेंबर इट, विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ JNK, दैट इज़ द उर्दू लैंग्वेज. ठीक है, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द इंडो आर्यन ग्रुप. ये कहाँ से बिलोंग करती है, इंडो आर्यन ग्रुप से. इंपॉर्टेंट इसके डायलेक्ट्स हैं दखनी एंड द रिक्ता, एंड इट इज़ रिटन इन द अरेबिक स्क्रिप्ट. ठीक है, स्क्रिप्ट्स याद रखना, जैसे डोगरी की मैंने अभी बोला कि प्रेजेंट टाइम में उन्हें देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, स्क्रिप्ट इज़ इंपॉर्टेंट. जैसे पंजाबी की स्क्रिप्ट होगी गुरमुखी. ठीक है, उर्दू लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी है, अरेबिक स्क्रिप्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज़ हिंदी लैंग्वेज, मोस्टली स्पोकन बाय द कश्मीरी पंडित्स एंड द गुज्जर्स. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप. अगेन हमने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस हैं वो इंडो आर्यन ग्रुप का ही पार्ट है. और इसको कौन सी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट में. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कुछ इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स आगे, जैसे छोटे छोटे जो भाषाएं होती हैं या इन्हीं के सब जो बड़ी बड़ी मेजर लैंग्वेजेस होती हैं उन्हीं को आगे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी छोटी छोटी कुछ गांव की या कुछ रीजन की लैंग्वेज बना देते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे डायलेक्ट्स. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मारवाड़ी हो गया, बुंदेली हो गया, भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया. ठीक है, ये सब भी हैं.
ओके, विद द एडवेंट ऑफ द इस्लाम इन कश्मीर पर्शियन लैंग्वेज ऑल्सो केम टू कश्मीर. ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज जो है उसका जो है कश्मीर में वो किसकी वजह से आई थी, उनको ब्रिंग किसने किया था, इस्लाम की वजह से. जब मुगल्स आए थे तो उनके टाइम पे या सुल्तान जो थे उस टाइम के, तो उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में. ठीक है, सुल्तान जैनुल अबिद्दीन मेड द पर्शियन हिज कोर्ट लैंग्वेज. ठीक है, जो सुल्तान हमारे जैनुल अबिद्दीन थे उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, पर्शियन लैंग्वेज थी. कोर्ट लैंग्वेज इन द सेंस कि उनके कोर्ट में जो भी कुछ अगर लिखा जाता था या किसी को खत भेजा जाता था या कुछ भी कोई फरमान जारी होता था तो वो पर्शियन लैंग्वेज में होता था. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे पर्शियन लैंग्वेज में जो है वो लिखे गए थे. ठीक है, कश्मीरी इज कंसीडर्ड द ओनली दार्दिक लैंग्वेज विच हैव अ लिटरेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि जो कश्मीरी जो है इट इज कंसीडर्ड एज द ओनली दार्दिक लैंग्वेज जिसका क्या है, एक लिटरेचर है. ठीक है, ये कौन सी है, ये दार्दिक लैंग्वेज का इसको कंसीडर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे राइटर्स एंड द पोइट्स ऑफ द कश्मीर. फिर आई होप ये जो है ये टॉपिक भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद जो है आई विल स्टार्ट द MCQs. ठीक है, हम MCQs करेंगे, इकोनॉमी के भी करेंगे, फिर उसके बाद कल्चर के भी करेंगे. कोशिश करूँगी मैं आपको मैक्सिमम 70-80 या 100 तक अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है MCQs करवा दूँगी. इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी. ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपने कितना लर्न किया और जब आप उसको सॉल्व करते हो तो वो आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं भी कर पा रहे हो. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.